हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एचएसएससी ग्रुप डी का जो पेपर है। आप सबको पता है ग्रुप सी का हो चुका है, स्क्रीनिंग रहता है जिसकी अपडेट आ रही है। और जो ग्रुप डी का पेपर है फोर्थ श्रेणी का, मतलब जिसमें आपका स्क्रीनिंग नहीं होगा, सिर्फ सीईटी के बेस पे जितने मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी और सीधा आपको ग्रुप डी की जो भी डिपार्टमेंट में पोस्ट होगी वहाँ पर डाल दिया जाएगा। देखिए, अभी प्लस टू का रिजल्ट आया है सीबीएसई का, हरियाणा बोर्ड का, तो और भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐड हो जाएंगे इस साल वाले। हरियाणा में सरकारी नौकरी की बाट जो रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। एचएसएससी चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरंभ करने वाला है। इसके लिए भर्ती पोर्टल को तैयार कर लिया है और बुधवार से नए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। जिन लोगों ने भर दिया है वो भर दिया है। अभी जो बच्चे जिनका रिजल्ट आया है प्लस टू वालों का, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं यहाँ पे। वहीं जो भी उम्मीदवार पहले से इन पदों के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उनको दोबारा से कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन डैम श्योर अबाउट इट कि आपने जब सीईटी भरा था तो दोनों लेवल भरे होंगे। उम्मीदवारों के फॉर्म में यदि कोई गलती है तो वो अपना फॉर्म सुधार सकते हैं। फोर्थ ग्रेड की भर्तियों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा सीईटी देने को पहले से ही 10.54 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा है। ठीक है, काफ़ी उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी दोनों में नौकरी प्राप्त करने की चाह के साथ आवेदन किए थे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने संभावना जताई है कि 50,000 से ज़्यादा उम्मीदवार इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं ग्रुप डी परीक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि सीईटी परीक्षा का आयोजन अगस्त या सेप्टेम्बर महीने में होने की उम्मीद है। इसके लिए तैयारियाँ की जा रही है और एचएसएससी आयोग इस भर्ती प्रक्रिया के लिए पहले स्क्रीनिंग टेस्ट लेने की तैयारी और मई में ही नया शेड्यूल तैयार किया जा सकता है। बात यह है कहने वाले कि जो नए कैंडिडेट हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे अगस्त सितंबर में ये भर्ती लेने की बोल रहे हैं। तो पहले तो जुलाई जून जुलाई में ये वाली होगी हमारी जो स्क्रीनिंग है सीईटी मेंस का। उसके बाद पहले तो ये कह रहे थे कि हम ये भर्ती पूरी करेंगे ताकि यही बच्चे दोबारा ग्रुप डी में ना बैठें और लोगों को मौका मिले। बाकी देखते हैं भाई क्या होता है। आपको अपडेट कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू व्यूअर ऑन दिस चैनल। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मैं लिंक दे दूँगी और ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।